को लेकर ऋषि कपूर ने वैलेंटाइन डे के मौके पर जो राज खोले थे वो सुनकर आप जरूर आज रोएंगे। नीतू वो वीडियो देखकर रोएंगी क्योंकि नीतू आज सिर्फ वो यादें लेकर, यादें समेट कर आगे आने वाली जिंदगी को सिर्फ तन्हाई में गुजारने वाली हैं। पति की यादें हैं जो उनका सहारा बनने वाली हैं। लेकिन बुनियादों के पन्नों से हम आपके बीच लाए हैं एक ऐसा सच जिसके बारे में सुनकर जरूर आप भी तकलीफ में होंगे। दरअसल नीतू कपूर को मजाक मजाक में ये पूछा गया था, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया था कि घर पे रहते हैं ऋषि तो बहुत कमियां निकालते हैं तो क्यों ना वो बाहर ही रहें। तो नीतू ने कहा था हर रोज ये ख्याल आता है कि वो बाहर ही रहें। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे अपने इस रिपोर्ट में ऋषि कपूर इतनी कमियां निकालते थे किस चीज पर, ये भी आपके सवाल होंगे तो आपको बता दें। दरअसल हर एक आदमी की तरह ऋषि कपूर भी शादी के बाद बॉयफ्रेंड टिपिकल बॉयफ्रेंड वाले कभी भी बिहेवियर नहीं रखते थे नीतू के साथ। आई लव यू कहना ये सारी चीजें नहीं होती थी। पत्नी के खाने पीने में कमियां निकालना ऋषि के बस में नहीं थी, लेकिन हाँ बाहर का खाना खाने में जोर लगाकर ऋषि ने इस बात का एहसास नीतू को कराया था कि उन्हें बाहरी फूड क्यों पसंद है। नीतू हेल्थ कॉन्शियस थी इसलिए वो अपने खाने पीने को लेकर खास ख्याल रखती थी, लेकिन नीतू कपूर का कहना था कि कमियां उनके खाने में ऋषि को लगती थी जिसके कारण वो बाहर के खाने पर ज़्यादा जोर देते थे। तो वो चाहती थी कि बाहर ही रहे लेकिन कमी ना निकाले। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।